लोगों ने ऐसा काम किया, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको तो हम लोग है दृष्टि से देखना चाहेंगे। राहुल जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है। इस बार देश में किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार आएगी 2019 में, मोदी ही आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज पहुंचा हूं साबरमती आश्रम अहमदाबाद। यहां पर जनता जनार्दन से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, बापू की धरती क्या सोचती है, और वो धरती जहां से मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक नरेंद्र मोदी, इस बार 2019 में कौन, राहुल या फिर मोदी? और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो पटना से आए हैं घूमने साबरमती आश्रम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश सिंह। कमलेश सिंह जी, आप बापू की धरती पर आए और उस वक्त आए जब देश में एक ऐसा माहौल दिखाई देने लगा कि उत्तर भारतीयों पर हमले होने लगे, उन्हें यहाँ से वापस भगाया जाने लगा। पप्पू यादव भी यहाँ पे आए, हालांकि अब वो स्थिति सुधर गई, लोग वापस अपने काम पर लौट रहे हैं। क्या जहन में आया जब आप बिहार में थे, क्या दिमाग में था आपके? हमें दिमाग में था कि अहमदाबाद में कुछ उपद्रव हुए हैं या जो भी हुआ गलत, लेकिन हम लोगों का यहाँ गांधी के आश्रम या और जो धाम है घूमने के लिए द्वारका धाम हम लोग आ रहे थे, तो यही हमारा ट्रेन रुकी है, इसलिए हम लोग उतर के देखे कि बापू के धाम आश्रम या और अन्य चीज़ों को भी देख लूँ, चाहे जहाँ जो हो, लेकिन हमारा जो काम है हम घूमने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। और उन्होंने तमाम जो यहाँ के रहने वाले हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, उनसे मुलाकात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं सरकार से बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि सरकारें कमज़ोर रही इस पूरे मामले पर, उन्हें जाने से रोक पाने में? सरकार तो खैर उसका जो सरकार का काम है वे अपने करेंगे, लेकिन जो पब्लिक का माहौल है या उनका विचार है, विचार भी बदलना चाहिए। हमको सभी को अपना भाई बहन समझना, प्यार रखना चाहिए, देश सबका है, देश हमारा है, तो सब हमारे एक हैं, और घिनौना काम करने वाला सही नहीं। जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जब आपकी धरती पर आएंगे, पटना आएंगे, तो आप उनका किस तरह से स्वागत करेंगे? उसको तो हम लोग है दृष्टि से देखना चाहेंगे। आप तो स्वागत ही करेंगे, लेकिन फिर भी उनका उनसे सही नहीं दृष्टि हो। आप किस तरह से देखते हैं बाबू जी, जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ और आप यहाँ पर आए हैं, क्या क्या सोच रहे हैं? यहाँ के दंगा जो हुआ उसके बारे में, यहाँ का दंगा कुछ है शरारती तत्व जो लोग है वो दंगा फैला रहे हैं आटी पार्टी लेकर करके, और जो आपके जितने नेता हैं यहाँ के एंटी, मैंने सरकार के एंटी के जो नेता हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से गुमराह करके अपने अगले चुनाव में इस किस्म माहौल पैदा करें कि जिसमें उनका समर्थन नहीं मिल सके। आप पटना से आए हैं, अब जो माहौल आपने देखा, इसके बाद अगर मैं ये सवाल पूछूं, हाँ सुना आपने, अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा, अब देश में माहौल कैसा है 2019 चुनाव को लेकर? एक तरफ मोदी हैं जो ताल ठोक रहे हैं 2019 चुनाव की, एक तरफ सभी नेता मिलने की बात कर रहे हैं, कोई मिल पा रहा है, कोई छिटक पा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है इस बार? वो आपस में इसी तरह से लड़ते रहेंगे, कोई किसी का पार्टी का अथी नहीं आएगा, पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। अच्छा, और उसके बाद में क्या होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पप्पू यादव की छवि आपके जहन में कैसी है? पप्पू यादव जो हैं बिहार से अकेले ऐसे नेता हैं जो उनकी सुध लेने के लिए इस धरती पर आए, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो वो इस सुध लेने के लिए आए, नेता के हैसियत से तो सुध लेना ही है उनको, है ऐसी बात नहीं है। आप क्या कहेंगे जी, क्या राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हुई है? हाँ राजनीति तो है, अपने वोट की राजनीति कर रहा है लोग। इस बार 2019 में आपको क्या दिख रहा है, जनता क्या सब कुछ समझ रही है? जनता तो समझ रही है, नेता लोग के चाल समझ रहे। तो आपने क्या समझा 2019 में कौन, इस बार 2019 में मोदी ही आएंगे दोबारा एक बार फिर? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? आएंगे, जरूर आएंगे, हमको तो आशा है कि आएंगे, चाहे जैसे आए लेकिन आएंगे। बढ़िया करा कि अच्छा नहीं करा? काम तो बढ़िया कर रहे हैं, मेरे समझ से तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी को क्या लगता है जी, आएंगे कि नहीं? हाँ मोदी जी आएंगे, मोदी जी का काम बिल्कुल सराहनीय है, लेकिन और उनमें जो कुछ मिले हुए या ऐसे लोग हैं जो किसी तरह के बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा लोग आरक्षण के मुद्दे पर अपना रोटी सेक रहे हैं,
ये करते हैं, वे वो करते हैं। अरे आरक्षण का मतलब है गरीब, गरीबी जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। तो क्या सिर्फ बैकवर्ड में ही गरीब है, फॉरवर्ड में ना है? सही सही बिल्कुल बात, जो बैकवर्ड है उनमें भी गरीब है और जो फॉरवर्ड है उनमें भी गरीब है, तो गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, सिर्फ राजनीति ना हो, राजनीति में अब ये लोग अपना अपना सेक रहे हैं, वो आएंगे तो ये करेंगे, वो आएंगे ये करेंगे। कैसा लगा आपको साबरमती आश्रम? साबरमती आश्रम बहुत अच्छा लगा। गुजरात में कहाँ कहाँ घूमे? अभी तो हम साबरमती रिवर फ्रंट और उसके बाद दूसरा स्थान साबरमती आश्रम का ही है, जिसको गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। आप जिस राज्य से आए हैं उस राज्य में इसी साल चुनाव हैं, तारीखें तय हो चुकी, क्या दिख रहा है आपको वहाँ पे चुनाव में? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनने वाली है। अच्छा, लेकिन इतिहास रहा है कांग्रेस का कि सरकारें वहाँ बदलती है हर 5 साल में, वो ठीक है, लेकिन अब की बार वहाँ कोई सामने चुनौती नहीं है जो ऐसा कोई लीडरशिप आ सके। अच्छा अच्छा, आपको लगता नहीं? हाँ। अच्छा ये बताइए, जिस जगह पे आप आए हैं गुजरात में, अहमदाबाद में आए हैं, यहाँ पर तमाम लोगों का पलायन हो गया, तमाम लोग अपना घर छोड़कर चले गए जो उत्तर भारतीय थी, क्या लगा आपको, क्या सोचा जहन में, अखबार पढ़ा, टीवी देखा, क्या समझ में आया कि ये क्या हुआ? ये एक जिसको कह सकते हैं बहुत कम समय के लिए एपिसोड हो गया, जिसको एक छोटी सी घटना कह सकते हैं या उसको एक भूल के तौर पर हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी नाराज़गी जाहिर की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश के सभी नागरिक सभी जगह रहने का उनको संपूर्ण अधिकार है। इस बार देश में किसकी सरकार? मोदी जी की सरकार आई। सच में? सच में। साबरमती आश्रम में आए, गांधी जी की धरती पर आप रहते हैं, 2019 में चुनाव हैं, मोदी जी आप ही के हैं के ही हैं, आपके गुजरात में चीफ मिनिस्टर रहे सालों साल, इस बार जो उनके 5 साल रहे कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया रहे मोदी जी के कार्यकाल में। हमने बहुत सारी सरकार देखी है साइड साल में, यहाँ बापू की धरती पे खड़ा हूँ मैं, गलत बात नहीं बोलूँगा, लेकिन 5 साल में जो मोदी जी ने कार्य किया है, किसी भी बड़ा, इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, लेकिन उससे भी बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। और अभी आने वाले 5 साल में भी अगर सरकार फिर से वापस नरेंद्र जी की बनती है, हम ऐसा चाहते हैं। आप मानते हो कि इस बार भी सरकार जो है मोदी जी की बन गई? बननी चाहिए, लेकिन इतने सब लोग आ गए, इतना विरोध मोदी जी का हो रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है? विरोध है, विरोध मोदी जी का इसलिए कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और मोदी जी ने थोड़ा हार्ड तो नहीं बोलूंगा, ये सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो किसी के लिए कोई योजना बनाएंगे, वो योजना तो कोई न मुस्लिम की बनेगी न हिंदू की बनेगी, वो सबके लिए बनेगी, वो सबको फायदा होगा। वो टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को इसके बारे में कि भाई मुस्लिम एंटी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा ये है, सबका साथ सबका विकास यही सूत्र में सब आ जाता है। सबका साथ सबका विकास वाकई है, लेकिन रोज़गार की बात हुई थी तो रोज़गार चंद लोगों को मिल पाया, जो 2 करोड़ की बात हुई थी वो कहीं भूल गए मोदी जी, ऐसा आपको लगता है? ये रोज़गार के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि जो योजनाएं बन रही है, तो आप योजनाओं को क्या बोले, मुद्रा की जो मोदी साहब ने मुद्रा योजना, मुद्रा लोन योजना, बराबर, तो मुद्रा योजना लोन में बहुत सारे, मैं संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत लोगों ने लोन ली है, वो लोन लेके क्या करेंगे? अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ तो मैंने 1 करोड़ की लोन लिया, 50 लाख की लोन ली, तो मैं 10 लोगों को उससे रोजगारी मिलेगी, मैं एक फैक्ट्री छोटी चला रहा हूँ, 10 लोगों को रोजगारी मिलेगी उससे, मैं वही मान रहा हूँ। ये मुद्रा बैंक ऐसे जारी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे मेट्रो है, मेट्रो अहमदाबाद में चल रही है, मेट्रो का काम कितना जोर शोर से चल रहा है, तो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी एक तरह की रोजगारी, वो आप क्या कहेंगे इसको? अच्छा एक और बात, अब राहुल जी की भी बात चल रही है, राहुल खुद भी कह रहे हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ, आप किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी को? नहीं, राहुल जी के बारे में क्या बोल सकता हूँ, वो मोदी जी के सामने कुछ भी नहीं है, मोदी जी क्या है और वो राहुल जी क्या है वो नहीं बता सकते, मोदी जी है। एक और बात, आपकी धरती पर हुई है जिस तरीके से उत्तर भारतीयों पर हमले हुए, उन्हें भगाया गया, उन पर जुल्म हुए, वो किस तरह से देखते हैं आप और उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देश सब लोगों का है, पूरे भारत का सब लोगों का है, ऐसे महात्मा गांधी की भूमि पर ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो ये सोची समझी साजिश की तरह, मैं तो अपने आप के गिन रहा हूँ कि ये सोची समझी साजिश की तरह ये कांग्रेस है या कोई भी अदर पार्टी के लोग हैं वो जो भी कर रहे हैं,
जी जो इसका नाम किसी का आया नहीं है, लेकिन लेकिन ये अल्पेश जी का नाम आज आ रहा है कि अल्पेश भी ये ऐसा कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप किसी को कोई कोई कहीं भी जाके काम कर सकता है, लोकतंत्र के लिए वो ठीक नहीं है कि भाई गुजरात वाले इधर रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम पूरे भारत के लोग, हमारे मोदी जी का एम है कि पूरे भारत को लेकर साथ में चलो। एक सवाल तो हर कोई पूछ रहा है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कोई कुछ कह रहे हैं कि राहुल बनेंगे, कुछ कह रहे हैं कि मोदी बनेंगे, लेकिन एक सवाल, क्योंकि आप यहीं से ही हैं, आपने उनका कार्यकाल देखा है, नज़दीकियाँ आपकी रही प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे तो आपका काम ज़ाहिर तौर पर पड़ता होगा, अगर वो प्रधानमंत्री ना बने 2019 में तो क्या होगा? नहीं, हम तो चाहते कि बने, फिर से बनेंगे ही, अभी पूरा विश्वास है, गुजरातियों को पूरा विश्वास है फिर से 2019 में माननीय मोदी जी को ही बिठाना है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? मुकेश भाई। ओके मुकेश जी, मुकेश जी थे अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनसे अच्छी बातचीत हुई, बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये बात ज़रूर पसंद आई होगी। कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की तो उन्होंने अपने विचार रखे, आप क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन इस बार 2019 में आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।